Hey guys, welcome back to my channel, Kibisha. मैं हूँ गुंजन. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंडरआर्म की डार्कनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी कुछ सिंपल से होम रेमेडीज को फॉलो करके. और इस बार मैं कोई भी सोडा बेकिंग पाउडर वाला रेमेडी आपके साथ नहीं शेयर करने वाली हूँ. सिंपल से आपके किचन इन्ग्रीडियंट से मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंडरआर्म की डार्कनेस को कैसे दूर कर सकते हैं. जब हमारे अंडरआर्म डार्क हो जाते हैं तो वो खुद में ही अच्छा नहीं लगता है कि मतलब डार्क अंडरआर्म्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खराब लगता है. और जो लोग स्लीवलेस पहनते हैं तो उन्हें तो और मैं इस तरीके से करने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है क्योंकि डार्क हो जाता है. सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं ये रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते हैं. और अगर कोई भी इशू है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो इस रेमेडी को अप्लाई करने के पहले आप कोई भी पुराना सा टी शर्ट पहन लें क्योंकि हम अंडर आर्म में लगाएंगे तो ऑब्वियसली कपड़े खराब होने वाले हैं. फन होता है अपने अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करना क्योंकि हेयर की वजह से आधी डार्कनेस हो जाती है. सो सबसे पहले मैं दो मेथड फॉलो करती हूँ अंडर आर्म के बाल को हटाने के लिए. 90% टाइम्स रेजर ही यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ईजी रहता है, पेन फ्री रहता है. और जब मुझे कभी लगता है कि वैक्सीन करा लेना चाहिए तब मैं करा लेती हूँ. ऐसे 90% मैं रेजर ही यूज़ करती हूँ. तो अभी मैं आपको शेप करके दिखाऊंगी, उसके बाद फिर इस पर पैक अप्लाई करके दिखाऊंगी जो कि एक वाइटनिंग पैक होगा जो कि आपके अंडर आर्म के डार्कनेस को कम करेगा. वो भी आप एक से दो बार ही उसको अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा. सबसे पहले मैं अपने अंडर आर्म से हेयर को रिमूव कर लूँगी क्योंकि जब बाल रहेगा तो जो भी रेमेडी हम फॉलो करेंगे वो इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो सबसे पहला स्टेप होता है अंडर आर्म से बाल हटाने का. सो अभी आप देख सकते हैं बाल की वजह से मेरा अंडर आर्म काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है. अंडर आर्म के हेयर को रिमूव करने के लिए मैं सिंपल सा रेज़र यूज़ कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक वुमेन रेज़र नहीं है. जो मेरे पास रहता है मैं उससे ही शेव करती हूँ. और उसके बाद मैं कंडीशनर लगा रही हूँ ताकि एक स्लिप मिले रेज़र चलाने के लिए. अच्छे से कंडीशनर लगा करके फिर मैं अपने अंडर आर्म्स को शेव कर लूँगी ताकि बालों की वजह से जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाए और रेमेडी अच्छे से काम करे. अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा घने हैं तो आप वैक्सिंग के लिए जाइएगा क्योंकि बाल के रूट्स के वजह से भी अंडर आर्म्स डार्क लगने लगता है क्योंकि वहाँ पे थिक बाल हो जाते हैं और थिक रूट्स रहता है इसके वजह से. और अगर आपको हल्के हल्के बाल आते हैं तो आप शेविंग की ओर जा सकते हैं. शेविंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है दोनों अंडर आर्म्स में. ये काफ़ी क्लीन हो गया है और वो अभी भी डार्क है. शेविंग करने से क्या होता है, जो भी हमारी डेड स्किन होती है, डर्ट और गंदगी जमी रहती है अंडर आर्म्स में, वो रिमूव हो जाता है और बाल भी रिमूव हो जाते हैं. तो आधी जो डार्कनेस रहती है वो वहीं पर चली जाती है. तो आप हमेशा मेनटेन करिए अपने अंडर आर्म्स को तो आपको डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम 90% तक नहीं होगी. सो अब मेरा अंडर आर्म शेव हो गया है. सो आप डिफरेंस देख सकते हैं शेविंग करने के बाद कितनी क्लीन हो गई है मेरी अंडर आर्म, आधी डार्कनेस तो यहीं चली गई है. तो चलिए अब वाइटनिंग पैक बनाते हैं. अंडर आर्म वाइटनिंग पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन. बेसन हमारे अंडर आर्म से जमी गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, इसको लिकोलाइज पाउडर भी बोलते हैं. ये स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. सो हमारे अंडर आर्म के लिए ये बेस्ट रहेगा. उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चुटकी भर हल्दी, ज़्यादा नहीं ऐड करना है वरना ये हमारे अंडर आर्म्स को येलो कर देगा. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून दही. दही भी बहुत अच्छे से ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और हमारे अंडर आर्म्स को वाइटन करने में हेल्प करेगा. और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस. लेमन जूस भी ब्लीचिंग का काम करता है और स्किन लाइटनिंग में हेल्प करेगा. सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देना है और एक थिक पेस्ट बनाना है जैसा कि मैं बता रही हूँ. ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर वो स्टे नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा. तो एकदम टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी वाला ही पैक बनाना है. मैंने अपने अंडरआर्म को क्लीन कर लिया है, हेयर फ्री कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसमें पैक लगाने के लिए. इस पैक को मैं अपने अंडरआर्म पे पूरे अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी जहाँ भी मुझे डार्कनेस है. यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, अंडर आर्म से हेयर को रिमूव करने के बाद 24 आवर्स तक अंडर आर्म पे कुछ भी नहीं लगाना है, उसके बाद ही ये पैक लगाना है. एक दिन दो दिन बाद लगेगा तो बिल्कुल सही रहेगा. मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मुझे इंस्टेंटली लगाना पड़ा. इसमें नींबू है सो वो स्किन को इरिटेट करेगा, सो स्किन रेड हो जाएगी. किसी को सूट करेगा नहीं करेगा, तो प्लीज़ वैक्सिंग या शेविंग जो भी मेथड से आप बाल हटाएँ उसके 24 आवर्स के बाद ही ये पैक लगाएँ.
मैंने अंडर आर्म में पैक अच्छे से लगा लिया है और अगर ये पैक बन जाता है तो हम इसे अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हैंड्स को ऊपर करके 15 मिनट तक रखना है ताकि ये सेमी ड्राई हो जाए, नीचे नहीं करना है वरना पैक अंडर आर्म पे से हट जाएगा और फिर वो असर नहीं करेगा। तो इसी तरीके से 15 मिनट्स रखना है। सो मेरा पैक 90% तक ड्राई हो गया है। अब मैं इसे निकालूंगी। सो डायरेक्टली मैं वॉश नहीं करूंगी, मैं पहले इस तरीके से इसे रब करते हुए निकालूंगी। इस तरीके से डीपली क्लीन हो जाएगा और एक ग्लोइंग स्किन मिलेगी मुझे अंडर आर्म्स में और वाइटन भी हो जाएगा। सो इस तरीके से अच्छे से निकाल लूंगी। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से मैं इसे धो लूंगी। सो ये है वॉश करने के बाद का रिजल्ट। सॉरी, बारिश अचानक से होने लगी थी तो लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग इशू हो रहा होगा, उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, मैं भी सेटअप चेंज करके भी आपको और अच्छे से लाइटिंग में दिखला दूंगी कि रिज़ल्ट कैसा आया है। मैं दूसरे साइड आ गई हूँ आपको रिज़ल्ट अच्छे से दिखलाने के लिए लाइटिंग में। तो ये है रिज़ल्ट और मैं आपको ड्रेस चेंज करके भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये भींग गया है तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है। सो ये रहा रिज़ल्ट, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और ये वन टाइम में मुझे रिज़ल्ट मिला है और कंटिन्यूसली इसे 3 डेज लगाने पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।